चाइना और ताइवान का आखिर मसला क्या है? ताइवान का जजीरा चाइना के पास पहली दफा चिंग डायनेस्टी के दौर में 17th सेंचुरी में 1895 में पहली चाइना जापान वॉर के बाद ये जजीरा जापान के पास चला गया और वर्ल्ड वॉर टू हारने के बाद ये जजीरा जापान को चाइना को वापस कर दिया। 1927 में चाइना की सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। एक तरफ थी चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी जिसका लीडर था चेंग काई-शेक और दूसरी तरफ थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जिसका लीडर था माओ ज़ेडुंग। 1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर जीत गई और चेंग काई-शेक और उसके साथियों को मेनलैंड चाइना से ताइवान भागना। ताइवान भागने के बाद चेंग काई-शेक ने इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया और 1975 तक वो यहाँ का लीडर रहा। मेन मसला ये है कि चाइना ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान का मानना यह है कि 1949 की रेवोल्यूशन के बाद इसका मेनलैंड चाइना से कोई ताल्लुक नहीं। चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की वजह से बाकी दुनिया ताइवान को एक अलग मुल्क तस्लीम नहीं कर रही और चाइना की दी गई वन चाइना पॉलिसी को मानती है। दुनिया में सिर्फ 13 मुल्क ऐसे हैं जो ताइवान को एक अलग मुल्क मानते हैं और ये सब मुल्क ऐसे हैं जिनकी कोई ग्लोबल लेवल पे कोई खास हैसियत नहीं। चाइना ने ताइवान के खिलाफ आज तक कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया और ज्यादातर डिप्लोमेटिक या फाइनेंशियल ताल्लुकात को फोकस किया, लेकिन जी जिनपिंग के आने के बाद ये कहानी काफी बदल चुकी है। चाइना का स्टांस ताइवान के खिलाफ काफी एग्रेसिव हो चुका है। ताइवान की मिलिट्री पावर चाइना की मिलिट्री पावर के आगे कुछ भी नहीं और चाइना के लिए ताइवान का कंप्लीट टेक ओवर करना 3 से 4 दिन की बात। लेकिन ताइवान के पीछे एक बहुत बड़ी पावर खड़ी है जो कि इतनी आसानी से ये मिलिट्री टेक ओवर होने नहीं देती और उस पावर का नाम है अमेरिका। प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौर में अमेरिका ने यह पहली दफा खुल के कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका पूरी तरह ताइवान को डिफेंड करेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह तो यह है कि ताइवान के टेक ओवर के बाद अमेरिका का इस पूरे खित्ते में इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है। एक और वजह इसकी ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर्स आजकल बनने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल होते हैं और ताइवान दुनिया की 90% सप्लाई कंट्रोल करता है।